ओम क्रिया बाबा जी नमः, ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्या संजीवन साधना सेवा पीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। और सेकंड पार्ट महाअवतार बाबा जी बर्थ स्टोरी, इसके बारे में हम आपको ये सेकंड पार्ट में जानकारी दे रहे हैं। सेकंड पार्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपने तो पिछले पार्ट में सुना ही होगा कि महाअवतार बाबा जी का जन्म जो है वो नाग लक्ष्मी माता और वो नाग लोकवासी थे, और वो उनका रियल स्वरूप जो है वो नाग वंशीय है। तो उनका जो बर्थ है वो कोई ऐसा ह्यूमन मेड नहीं है, ये ह्यूमन से नहीं हुआ है, और सारी जानकारी मैंने आपको पहले दी है। जो लोग ये लेक्चर सुन रहे हैं उनके लिए पहले फर्स्ट लेक्चर बहुत सुनना बहुत जरूरी है, उसके बिना ये जानकारी आपको समझ में नहीं आएगी। तो नागलक्ष्मी माता और कृष्ण नागराज, इन दोनों नागवंशीय मेल फीमेल, ये दिव्य जोड़े से महाअवतार बाबा जी यानी नागराज बाबा का जन्म हुआ, और वो भी उनका अलग अलग नागलोक था। तो नागलक्ष्मी माता से जब जन्म हुआ, उससे पहले उनका जन्म क्या था और उनको ये वरदान कैसे मिला कि नागलक्ष्मी माता से वो जन्म मिल पाए, और फिर कलयुग जो था वो कलयुग जो है वो कलयुग पूरा उनके हाथों में रहे, एक पूरा युग उनके हाथों में रहेगा, उसके ऊपर उनका वर्चस्व रहेगा, ये वरदान वगैरह कैसे मिला, इसके बारे में हम जानकारी आज देंगे। तो पहले हमारा YouTube चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जिन्हें हमारे कोर्सेस करने हैं क्रिया योग के संबंध में, श्री विद्या के संबंध में, सिद्ध कुंजी का, दुर्गा सप्तशती के संबंध में, तो वो हमसे जो हमारा स्क्रीन पर मोबाइल नंबर है वहां कांटेक्ट कर सकता है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकता है। हम आगे शुरुआत करते हैं कि महाअवतार बाबा जी नागराज रूप में जन्म लेने से पूर्व जो थे वो असल में जो पिछला जो जन्म था उनका महाअवतार बाबा जी के रूप में लेने से पहले, वो पार्वती माता यानी जिन्हें सती कह सकते हैं आप, पार्वती कह सकते हैं, वो पार्वती माता जो भगवान शिव की पत्नी थी, उनके ज्यादातर भक्त थे और शिव जी के भक्त थे, और उनकी उन्होंने तपस्या की थी। तो हुआ क्या कि पार्वती जो थी वो पार्वती उनके इतना तपोबल था, उन तपोबल से पार्वती माता प्रसन्न नहीं हो रही थी, ऐसा था, और उन्हें मुक्ति की अपेक्षा थी जो उनका पिछला जो जन्म था। तो मुक्ति की अपेक्षा, तो पार्वती के पास तो मुक्ति नहीं है ऐसे ना, भगवान शिव के पास भी मुक्ति है, तो उनके तो पद जो होते हैं वो अलग अलग बदल दिए जाते हैं, ऐसा है। तो एक कालमान होता है, वो कालचक्र खत्म हो जाएगा तो उसके ऊपर नई शक्तियां आकर विराजित होगी, और ये शक्तियां उनमें विलीन हो जाएगी। एक बहुत बड़ा एक स्पिरिचुअलाइजेशन का एक नॉलेज है ये सब। तो महाअवतार बाबा जी जो पिछला जन्म था उन्हें मुक्ति चाहिए थी, और वो पार्वती और शिव जी का एक प्रकार से साधना कर रहे थे, परंतु वो दोनों तो इनको मुक्ति नहीं दे सकते। तो महाअवतार बाबा जी जो उनका पहला जन्म था उन्होंने शिव जी को कुछ बोला, यानी कुछ ऐसा बोल सकते कि जो अनाप शनाप अपशब्द बोलते हैं उस टाइप में कुछ अपशब्द बोले, और वो अपशब्द जो थे वो तो पार्वती ने तो सुन लिए अपशब्द। ये देवताओं में कैसा होता है, जैसे हमारे घर में होता है वैसे ही होता ही है, यानी अगर किसी पुरुष को यानी बहन भाई है, हाँ, तो किसी भाई को बोला तो बहन पहले आगे जाएगी और उस भाई के लिए झगड़ा करेगी, ऐसा है, यानी बीवी से पहले जो है वो बहन आगे जाएगी। उसी प्रकार से शिव जी को कुछ उन्होंने अपशब्द बोला, परंतु पार्वती माता ने उनको ज्यादा कुछ बोला नहीं क्योंकि उनके पास तपोबल था इसलिए, परंतु ये अपशब्द जो थे वो भगवान शिव जी की बहन महालक्ष्मी जो थी उन्होंने सुनी। अब महालक्ष्मी मतलब वो भी महालक्ष्मी नहीं जो कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की पत्नियां पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती। एक्चुअली ये तीनों जो है ये आपको एक सीक्वेंस पहले समझ के लेना होगा कि किस प्रकार से सीक्वेंस है। ये जो हम नवरात्रि है चालू, नवरात्रि में हम दुर्गाओं की पूजा करते हैं, तो ये सारी दुर्गाएं जो है ये दुर्गाएं उत्पन्न हो चुकी है पार्वती से, पार्वती की जो उत्पत्ति है वो हो चुकी है ललिता से, यानी पार्वती लक्ष्मी सरस्वती ये तीनों की उत्पत्ति जो वो ललिता त्रिपुर सुंदरी से उत्पन्न हो चुकी है। ललिता त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति जो है वो बगलामुखी से हो चुकी है,
और बगलामुखी की जो उत्पत्ति है वो किसी और आदि माया आदि महाशक्ति से उत्पन्न हो चुकी है। वो उस आदि माया आदि शक्ति को भी लक्ष्मी के रूप में ही देखा जाता है, जिन्हें लक्ष्मी नारायण हम कहते हैं। तो ये इस प्रकार से एक सीक्वेंस है। और अगर आप 10 महाविद्याओं के फोटो देखेंगे तो 10 महाविद्याओं में ललिता त्रिपुर सुंदरी जो है उसके जो हाथ है वो 4 हाथ नहीं है, उल्टे ज्यादा हाथ है। अगर ललिता का आप मूल स्वरूप देखेंगे तो 4 हाथों से ज्यादा उनके हाथ क्यों है? क्योंकि आदि मूल शक्ति जो है, जहां से ललिता की उत्पत्ति बगलामुखी से हुई, बगलामुखी की उत्पत्ति किसी और से हुई, उसने कुछ अधिकार जो है वो ललिता को सौंपे थे, ऐसा है। उसके कारण वो अधिकार प्रदर्शित करता है कि ललिता जो है इस ब्रह्मांड को चला सके। ये सारी चीजें जो है वो अंदर की बातें है मित्रों। परंतु क्या हुआ, ललिता ने भी अपना कार्य जो है आगे आगे ठीक से नहीं किया। नहीं तो आप देखिए पूरे ब्रह्मांड में अगर आप इतने हजारों सालों का अगर इतिहास देखेंगे तो बहुत सारे युद्ध हो चुके हैं। हाँ, कोई सुखी नहीं रहा। इवन श्री विद्या ललिता त्रिपुर सुंदरी का जो आज का जो कार्य चल रहा है तो बहुत सारी जगहों पे फ्रॉडनेस चल रहा है श्री विद्या के नाम पर। श्री यंत्र भी जो सेल किए जाते हैं वो फेक श्री यंत्र सेल किए जाते हैं। तो इन सबको जो शासन करना चाहिए, एक बैलेंस बनाना चाहिए, तो वो बैलेंस बना नहीं सृष्टि में, ऐसा है। तो थोड़ा देवताओं में भी ऐसा होता है कि जैसे हमारे यहाँ कोई दोषी है तो उनको सजा होती है या फिर उनकी ताकतें कम हो जाती है, तो उनमें भी देवताओं में भी होता है कि अगर उनमें कुछ गलतियां हो चुकी है तो उनमें भी ताकतें थोड़ी बहुत कम हो जाती है। तो इस प्रकार से सब कुछ एक सब्जेक्ट है। तो हम पहले बात के ऊपर आते हैं, ये तो सब मैं आपको बता रहा हूं कि क्या 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 सब्जेक्ट होते हैं इसमें। तो भगवान शिव को उन्होंने थोड़ा अपशब्द बोला, पार्वती ने उनको कुछ बोला नहीं, क्योंकि तपोबल था उन जो पिछले जन्म के महावतार बाबा जी थे उन बॉडी के पास। तो परंतु उनकी बहन जो लक्ष्मी है, मूल लक्ष्मी, उसने सुना कि ये जो कोई तपस्वी है इसने मेरे भाई को कुछ अनाप शनाप बोला है। तो उसका क्रोध जो था वो बहुत, क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं ना पैर की आग मस्तक में जाती है तब क्या क्या होता है। अब आप सोचिए एक लेडी, एक महिला अगर झगड़े पर तुल उठे तो क्या कर सकती है, पूरा घर पूरा मोहल्ला सर के ऊपर ले सकती है। तो आप सोचिए कि वो तो मूल आदि माया आदि शक्ति है, उसके भाई को जब बोला गया तो उसका जो, आप सोचिए उसने कितना बड़ा तांडव किया होगा। तो वो जो आदि शक्ति थी उसने जो महावतार बाबा जी पिछले जन्म की उनकी जो बॉडी थी तपस्वी, उनको लिया और उनको इतना पीटा कि वो लगातार 3 दिनों तक उस बॉडी को उनके पीटती रही और उनकी एक एक बाल जो है वो नाखून से जो थे वो निकाल लिए गए। हाँ, एक एक बाल निकाल लिए गए। हाँ, उसने, और वो उस अपने इतने आवेश में थी कि उसको पता ही नहीं कि वो क्या कर रही है। तो ये एक एक नाखून निकाल दिया, एक एक बाल निकाल दिया। आप सोचिए एक एक बाल निकालते गए तो कितना समय लग जाएगा। ये सारे जो बाल थे वो निकाल दिए गए और फिर बॉडी के ऊपर उसने पूरा तांडव नृत्य किया कि जिससे पूरा बॉडी का आप समझ लीजिए कि फालूदा जैसे हो सकते वो सब कुछ हो गया। और लगातार ये 3 दिन हो रहा था। अब आप सोचेंगे कि पार्वती ने गुस्सा क्यों नहीं किया। तो नॉर्मली जो है पार्वती जो है वो तामसिक वृत्ति है, एक्चुअली वो ज्यादा एक्शन देती है और रिएक्शन भी देती है जब, और गुस्सा भी वो जल्दी हो जाती है। महालक्ष्मी जो है वो मूल आदि माया जो इसे कहा जाता है वो संयमी है, वो जल्दी गुस्सा नहीं होती, ऐसा है। और अगर वो गुस्से पे आ जाए तो वो फिर पार्वती सरस्वती इस ब्रह्मांड में उसके जैसा गुस्से वाला कोई नहीं है, ऐसा है। तो ये सारी चीजें है, अंदर की बातें हैं। तो 3 दिनों के बाद वो थोड़ी शांत हो गई। तो जो भगवान विष्णु है उन्होंने लक्ष्मी जी को कहा कि देखो तुमने क्या किया इन 3 दिनों में। तो उसको समझ में आ गया, अरे मैंने इतना सब कुछ कर दिया। तो अब आप सोचे कि जिसने ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, जिसने अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना की है, ये अनंत ब्रह्मांड की जो शक्तियां है उससे संचलित होती है ये। हाँ, उसी ने एक आत्मा को मुक्ति दे दी। एक एक जो बाल है वो उखाड़ देने का मतलब ये है कि उसके हर कर्मा, हर एक सृष्टि के हर एक कर्मा से उनको मुक्ति दे दी गई। तो ऑटोमेटिकली इस प्रकार से उस जन्म में महावतार बाबा जी की मुक्ति ही हो गई,
पूरे बॉडी से, ये जो शरीर है उनसे मुक्ति हो गई। और फिर लक्ष्मी ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया, हाँ, क्योंकि वो तो उनके ऊपर तांडव नृत्य के उनके पैर के चरण उनके आत्मा पर पड़े ऐसा है। तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी उनके दोनों के चरण जो है उनके शरीर पर है ऐसा है। और मित्रों कहा जाता है कि भगवान जो महाअवतार बाबा जी है नाग लक्ष्मी माता के पेट से उन्होंने जन्म लिया, तो उन्हें कुछ ऐसे एनर्जीज मिले थे कि उनके शरीर का एक भाग जो है वो एक्स्ट्रा है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि हमारे ये पांच उंगलियां है तो एक छठवीं उंगली जो कहते हैं, परंतु वो हाथ को छठी उंगली नहीं है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो सीक्रेट है उनको पहचानने का। हाँ, वो दिखाता है अधिकार, ये सारी अंदर की बातें है। अगर आपको ये कुछ नॉलेज चाहिए तो हमारा क्रिया योग एसेंशियल कोर्स है, उसमें काफी कुछ डिटेल में ये कुछ बातें हमने बताई है, तो वो आप सुन सकते हैं वहां पर। तो ये सारी चीजें है। तो महालक्ष्मी ने आशीर्वाद दे दिया, विष्णु ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम तो अब मुक्त हो चुके है, परंतु आगे हम तुम्हें एक कलयुग जो है वो कलयुग का अधिकार पद जो है वो तुम्हें हम देते हैं और वो तुम हैंडल करो, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। और ये सब कुछ सृष्टि का रचना, ये सब कुछ तुम्हें समझने के लिए, और आने वाला कलयुग है उसको तुम्हें हैंडल करने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे नॉलेज की जरूरत चाहिए। तो ये जो नॉलेज है ये तुम्हें सर्प योनि जो है उसमें जब तुम जाओगे तब तुम आधा नॉलेज जो है वो प्राप्त कर सकते हो। तो जो महालक्ष्मी थी उसी ने ही नागलक्ष्मी का रूप ले लिया जो नाग माता थी, और उसी ने ही अपने पेट में बहुत महीनों तक महाअवतार बाबा जी को रखा और वहां नॉलेज दिया, और फिर महाअवतार बाबा जी का जन्म हुआ। फिर जो शेष नाग थे भगवान विष्णु जी जिनके ऊपर सोते वो जो शेष नाग थे, वो शेष नाग जी ने उन्हें पृथ्वी के ऊपर लाकर रखा। तो ये सारी एक प्रकार से अलग अलग चीजें हैं। और आप सोचिए इसको कम से कम 1,00,000 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, उससे भी अधिक, उससे भी अधिक। लव और कुश जो है वो लव कुश के बड़े भाई के रूप में महाअवतार बाबा जी को जाना जाता था ऐसा है। वो एक ट्रायंगल है, महाअवतार बाबा जी, लव और कुश, ये एक अनंत साम्राज्य का एक ट्रायंगल है, और ये स्पिरिचुअलाइजेशन का डीपली नॉलेज है मित्रों। तो इस प्रकार से ये सब कुछ है। कुछ लोग कहते हैं कि पेरिंगापट्टनम तमिलनाडु में उनका जन्म हो चुका है बीसी 203 में। तो आप सोचिए 2,500-3,000 साल ऐसे कैसे आयु हो सकती है। शांबाला सिद्धाश्रम में आप जाएंगे तो वहां पर 5,000-10,000-15,000 साल से तपस्या में लीन महात्मा है ऐसा है। दूसरे सृष्टि से महात्मा यहां महावतार बाबा जी को मिलने के लिए आते हैं ऐसा है, क्योंकि महावतार बाबा जी यहीं पर है और यही बैठकर बहुत सारे सृष्टियों का चलन करते हैं, उनका कुछ चीजें जो हैंडल करना है वो हैंडल करते हैं। ऐसा नहीं है कि कलयुग सिर्फ जो है वो इसी पृथ्वी के ऊपर का कलयुग उनके हाथों में है, तो किसी और सृष्टि में भी कलयुग चलता होगा तो वो भी उनके हाथों में है। ये बहुत डीपली सब्जेक्ट है मित्रों, और ना जाने कितने लोग क्रिया योग के पीछे महावतार बाबा जी मिलेंगे इसके पीछे ना जाने क्या क्या करते हैं, कि कहीं इसी के पास जाकर क्रिया योग लेते, कहीं उसके पास जाकर क्रिया योग लेते। और भी डीप नॉलेज है मित्रों, और भी डीप नॉलेज है। अभी तक महाअवतार बाबा जी की जो सीख है वो सीख क्या है लोग समझे नहीं है, इतना आसान नहीं है ये सब। तो आज के इसमें इतना ही, मैं अभी अगले आर्टिक जो लेक्चर है उसमें मैं प्रयास करूंगा कि जो कहते हैं कि पेरिंगापट्टनम तमिलनाडु में महाअवतार बाबा जी का जन्म हुआ था उसकी एक्चुअल स्टोरी क्या है, वो सत्यता क्या है, मैं आपको बताऊंगा कभी। तो ये फर्स्ट पार्ट आप देखिए, फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे तो सेकंड पार्ट समझ में आएगा। फिर आप कुंडलिनी साइंस के लेक्चर जो है इसी में ही है वो देखिए, और काफी कुछ जो लेक्चर्स है वो सब देखिए तो आपका नॉलेज मिल जाएगा, नहीं तो आप जो है वो घूमते रहेंगे। जैसे कितने सालों से लोग घूम रहे हैं, रानीखेत जा रहे हैं, फिर स्वर्गारोहिणी जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, पेरिंगापट्टनम जा रहे हैं, इलाहाबाद प्रयागराज में जा रहे हैं, कुछ नहीं होता मित्रों। फिर फोटो लगा रहे महावतार बाबा जी को, पूज रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं होता जब तक आपको उनकी ओरिजिनल सिख नहीं समझ में आती। और मैं आपको अंदर की बात भी बताता हूं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुंडलिनी में 7 चक्रा होते हैं जो बताया जाता है, कि अगर सच में ही 7 चक्रा होते और सब कुछ, अगर नॉर्मल जो आम लोग है उनके हाथों में सब कुछ जो है क्या बोलते हैं बिना दिक्कत थाली में खाने के लिए लाकर रखा होता तो काफी लोगों की प्रगति हो जाती। हाँ, तो सच में ये 7 चक्रा है, हाँ, या फिर
13 चक्र है, 15 चक्र है, वो हिडन क्यों है, एक चक्र में और कितने पेटा पेटा चक्र होते हैं, ये काफी नॉलेज है मित्रों, ऐसा है। बाकी पूरे वर्ल्ड में जो कुंडलिनी के संबंध में जो जो सिखाया जाता है वो 95% जो है सम्मोहन है, हिप्नोटिज्म है, और आप हिप्नोटिज्म में फंसते हो, बाकी कुछ नहीं मित्रों। तो सही नॉलेज लीजिए। और अगर दिवाली भी आने वाली है तो दिवाली में अगर किसी को साधना वगैरह करनी है तो सुवर्णाकर्षण भैरव की साधना है ही, हाँ, इसमें आपको पूरा यंत्र मिल जाएगा, फोटो मिल जाएंगे, तो ये सब कुछ हमने सिखाया है, तर्पण अभिषेकम सिखाया है। हनुमान जी की अगर साधना आपको शुरू करने है, पूरी वायु विद्या इसमें सिखाई है, हाँ, जो वायु आप पंच प्राण शरीर में छोड़ते हो ऑक्सीजन वाला, वो वायु से कैसे एनर्जी चलायमान होती है, हाँ, ये सृष्टि पूर्ण वायु विज्ञान है उसमें, हाँ, ये आप इसमें यंत्र पूजन वगैरह सब कुछ सिखाया है, ये भी तर्पण अभिषेक, पूरे आयुर्वेदिक औषधि भस्म के प्रयोग कैसे करने वो सिखाया है। किसी को आदि महालक्ष्मी की साधना करनी है तो वो भी कर सकता है, ये सब कुछ आप अभी से शुरू करेंगे तो दिवाली में वो ताकत जो है अमावस्या में वो आपकी ताकत आ जाएगी। बाकी नॉलेज बेस्ड कोर्स चाहिए तो श्री विद्या एसेंशियल है, क्रियायोग एसेंशियल कोर्स है, और कुल देवी के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती साधना है और सिद्ध कुंजी का साधना है। सबके बुक अलग अलग है, सबका अलग अलग रिचुअल्स हमने सिखाया है, उसका एक्सेस वगैरह सब कुछ आपको दिया जाएगा, प्रैक्टिकली हम सिखाते हैं, आराम से डिटेल में आप सीख सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कभी तो अपनी आंखें खोलिए और सही रास्ते पर चलिए, मैं इतना ही कह सकता हूं। धन्यवाद।